देहरादून में मूल निवास स्वाभिमान रैली का आयोजन। देहरादून के परेड मैदान में शुरू हुई रैली कचहरी स्थित शहीद स्मारक तक चलेगी रैली। हजारों की संख्या में लोग मौजूद, राजनीतिक दल लोक कलाकार भी मौजूद। सिद्धार्थनगर में जर्जर मकान का छज्जा गिरने से बड़ा हादसा। हादसे में दो नाबालिग बच्चों की दर्दनाक मौत, दो बच्चों की हुई मौत, दो गंभीर रूप से घायल। घायल बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। अयोध्या में 30 दिसंबर को पीएम मोदी आएंगे। 22 जनवरी को अयोध्या में होगा भव्य दिव्य आयोजन। श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का निकला शुभ मुहूर्त। काशी के विद्वान ने प्राण प्रतिष्ठा का निकाला शुभ मुहूर्त। काशी के पंडितों ने तय किया शुभ समय। कोहरे की चादर से ढकने लगा यूपी। यूपी के 13 शहरों में बारिश का अलर्ट। आज कई जिलों में रहेगा घना कोहरा। आज से शीतलहर की चेतावनी। अयोध्या में 5.5 डिग्री पहुंचा पारा। अयोध्या में 2012 गीता पाठ का आयोजन। आज राम जन्मभूमि के अध्यक्ष साधु संतों को आमंत्रण। महंत गोपाल दास जी महाराज के सानिध्य में आयोजन। मनीषियों द्वारा गीता पाठ का आयोजन। लखनऊ में यूपी के स्पेशल डीजी लॉ एंड ऑर्डर का बयान। प्रशांत कुमार का बड़ा बयान आया सामने। आम लोगों के लिए अयोध्या राम मंदिर के दर्शन हो जाएंगे बंद। 20 जनवरी से राम मंदिर के दर्शन हो जाएंगे बंद। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा। अयोध्या में पूजित अक्षत कलश एवं शोभा यात्रा कार्यक्रम। भव्य पब्लिक स्कूल में कार्यक्रम का आयोजन। सभी 15 नगरों से निकलेगी भव्य शोभा यात्रा। महानगर से हजारों की संख्या में राम भक्त होंगे इकट्ठा। अयोध्या पहुंचे उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक। आगमन से पहले परखी तैयारियां। प्राण प्रतिष्ठा और पीएम के आगमन को लेकर हुई बैठक। बैठक में महासचिव चंपत राय सदस्य मौजूद रहे। लखनऊ में बदमाशों ने की असलहे के दम पर डकैती। दुबग्गों के हयात नगर में डकैती करने का मामला। बुजुर्ग की स्कूटी की बदमाश उठा ले गए। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच शुरू। कानपुर के चकरपुर पक्के तालाब के पास दुकानों में लगी आग। ट्रैक्टर की दुकान में रखे सिलेंडर फटने से आग लगी। मौके पर पहुंची पुलिस व फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां। गाड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। अमरोहा में भीषण सड़क का हादसा। तेज रफ्तार सामने से आ रही टक्कर। ग्राम प्रधान विशाल चौधरी समेत 4 लोगों की मौत। गांव हाकमपुर के निवासी थे 3 मृतक। लखनऊ में स्कूलों में मनाया जा रहा क्रिसमस का पर्व। सेंटा क्लॉज बंद कर स्कूलों में पहुंचे छोटे छोटे बच्चे। स्कूलों को भव्य तरीके से सजाया गया। क्रिसमस के अवसर पर स्कूलों में बच्चों ने बांटे गिफ्ट। अलीगढ़ में मस्जिद की दीवार पर लिखा गया जय श्री राम। पुलिस ने बताया मौके पर फोर्स तैनात। मस्जिद पर शरारती तत्व ने लिखा जय श्री राम। मौके पर दोनों समुदाय के लोग हुए इकट्ठा। भारी पुलिस बल मौके पर तैनात। लखीमपुर खीरी में बढ़ा क्राइम का ग्राफ। आम के बाग में शामिल से फैली सनसनी। पत्नी को प्रेमी ने उतारा मौत के घाट। गला रेत कर की गई युवक की हत्या। प्रयागराज में 400 से 500 धान की फसल जलकर खाक। अज्ञात व्यक्तियों ने दिया घटना को अंजाम। मामले का अब तक नहीं हो सका है खुलासा। अधिकारियों से गुहार लगा रहे हैं पीड़ित किसान। रायबरेली में IGRS की जारी हुई रैंकिंग। रैंकिंग में प्रदेश में रायबरेली को मिला 54वां स्थान। तहसील सदर महाराजगंज डलमऊ को मिला प्रथम स्थान। सालौन तहसील का सबसे खराब रहा प्रदर्शन। इटावा जम्मू कश्मीर पुलिस की गाड़ी क्षतिग्रस्त होकर पलटी। गाड़ी में 3 कैदियों समेत 10 जवान थे सवार। 3 कैदियों समेत पुलिसकर्मी सुरक्षित बाहर निकाले गए। गाड़ी चलाते वक्त गाड़ी का एक्सल टूटने पर हुआ हादसा। लखनऊ में सभा के जिलाध्यक्ष राजमंगल यादव की मौत। सुबह टहलने के दौरान अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर। वाहन की चपेट में आने से हुई दर्दनाक मौत। बलिया स्थित आवास पर कार्यकर्ताओं की भीड़। कानपुर में शहीद करण सिंह के परिजनों का हंगामा। चौबेपुर के भावपुर गांव में शहीद के परिजनों का आक्रोश। आक्रोशित ग्रामीणों और परिजनों ने लगाया जाम। परिजन शव को गांव लाने की कर रहे मांग। रायबरेली में तेज रफ्तार अनियंत्रित होकर पिकअप पलटा। पिकअप में सवार एक मजदूर की मौके पर मौत। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अर्जनपुर थाना क्षेत्र के बालिका इंटर कॉलेज की घटना। झांसी कानपुर रेलमार्ग पर होगी तार फेसिंग। 204 करोड़ रुपए की लागत से 212 किलोमीटर लंबे रेलवे ट्रैक को किया जाएगा कवर ताकि कोई भी जानवर रेलवे ट्रैक पर ना सके। जानवर के टकराने की घटनाओं को रोका जा सके। रायबरेली में दबंगों के हौसले हुए बुलंद। उधार दारू न देने पर दबंगों ने सेल्समैन को जमकर पीटा। पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में हुई मारपीट। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। लालगंज कोतवाली क्षेत्र के कस्बे के विजयनगर पेट्रोल पंप के पास का मामला।
बुलंदशहर में उत्पीड़न से परेशान ग्राम पंचायत सहायक ने किया सुसाइड का प्रयास। अफसरों पर ग्राम पंचायत सहायक का मानदेय रिलीज नहीं करने का आरोप। डीपीआरओ ने घटना के बाद पंचायत सचिव को किया सस्पेंड। थाना कोतवाली क्षेत्र के गांव का यह पूरा मामला। चंदौली में सदर कोतवाली पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। कंटेनर में 230 पेटी अवैध शराब अंग्रेजी शराब बरामद। शराब के साथ चार तस्कर भी गिरफ्तार। कंटेनर में सेकेंड स्पेस बनाकर की जा रही थी तस्करी।